हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फोनपे में एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड कैसे ऐड किया जाता है। फोनपे पे एटीएम कार्ड कैसे ऐड करना है बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। ओनली 2 मिनट्स में आप अपना एटीएम कार्ड वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है। अगर आप चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। सबसे पहले हमको अपना यहाँ पे से फ़ोन पे ओपन कर लेना है। फ़ोन पे ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे माई मनी का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। माई मनी के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप मनी माई मनी के ऑप्शन पे आप क्लिक कर रहे होंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड का ऑप्शन दिख रहा होगा, बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड। आपको डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे डेबिट कार्ड पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे देख रहे होंगे नो सेव्ड कार्ड। आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा ऐड न्यू डेबिट कार्ड। आपको ऐड न्यू डेबिट कार्ड पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे इंटर कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट और CCV कोड मांगा है। आपको ये फिलअप कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने सारी डिटेल फिलअप कर ली है। आपको डेबिट कार्ड ऐड करने में आपका 2 रुपये माइनस होगा और वो ऑटोमेटिकली 2 रुपये आपके आ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है पेमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको लिख लेना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये आपको 45 सेकेंड के अंदर ही करना है। फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रोसेस योर हो गया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, फ़ोनपे से 2 रुपये कट गए हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया है। आपको यहाँ पे डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपका जो भी पेटीएम बैंक का या जो भी आपका अकाउंट जहाँ भी रहेगा, आप ऐसे अपना डेबिट कार्ड ATMs ऐड कर सकते हैं। इसको अगर डिलीट करना हो तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा भी डिलीट कर सकते हैं। जो 2 रुपये आपका कटा हुआ है वो आपको 7 दिन में आपके बैंक अकाउंट में वापस रिटर्न हो जाएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू। अगर नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।